अगर आप भी फेसबुक के पेज प्रोफाइल कहीं पे भी वर्क करके पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया आखिर में पैसा तो कमाना है, बट पैसा हम कहाँ से ज़्यादा अच्छा और किस तरीके से हम काम करें, प्रोफाइल पे या पेज पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाद में इनिशियल लेवल पे या शुरुआत में फिर भी चल जाता है लेकिन बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने को मिलता है, जैसे कि भाई कई लोगों का एडमिन ऐड नहीं होता, कई लोगों को मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वो सब कुछ भी नहीं कर पाते। सो इसके लिए काम शुरू करने से पहले ये आप डिसाइड कर लो कि काम करना कहाँ है, प्रोफाइल पे या पेज पे। सो एक बार पूरे लाइव प्रूफ देखो और समझो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको सब चीज़ क्लियर हो। देखो समझो, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, मेरा ये टैब दिख रहा होगा आपको, तो समझने की कोशिश करना है यहाँ पे भैया, थोड़ा सा और आगे कर लें इसको ताकि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहली बात कि पॉइंट ये आता है कि भाई हमारे को पैसा कहाँ मिलेगा, ज़्यादा पैसा कहाँ मिलेगा, तो भैया मैं एक ही बात बोलूँगा, पैसा ज़्यादा दोनों जगह मिल सकता है, आपको पेज पे भी मिल सकता है, आपको प्रोफाइल पे भी मिल सकता है, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट है कुछ माइनस पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप पेज पे स्टार्ट कर रहे हो काम करना या फेसबुक पे पैसे कमाने के लिए आ रहे हो। तो देखो सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, फेसबुक का पेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि पेज पे क्या काम करें तो क्या फ़ायदा होगा, पहला पॉइंट। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं फिर माइनस की बात करेंगे, है ना, पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो देखिए अगर आप पेज पे काम करते हो, चलिए पहले काम करते हैं पेज से, अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम ना प्रोफाइल समझते हैं, ठीक है, कि अगर हम प्रोफाइल पे काम करते हैं तो क्या होगा। या तो एक काम कर, ठीक है पेज पे ही करते हैं ना, क्योंकि पेज पे आपको ज़्यादा जल्दी, पहले हम बेनिफिट अच्छे की बात करते हैं, बुरा तो हर चीज़ है, पहले अच्छे की बात करते हैं। देखिए अगर आप पेज पे काम करते हैं तो होगा क्या कि भाई 2024 के अंदर, अगर आप 2024 के अंदर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, सो पर्सनली आई सजेस्ट कि आप पेज पे काम करो, क्योंकि अगर आप पेज पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पेज पे काम करते हो, सो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब बेनिफिट क्या मिलता है वो भी आप समझ लो, बेनिफिट क्या मिलता है भैया, बेनिफिट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो बेनिफिट क्या मिलेगा कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब अगर आप पेज पे काम करोगे तो अपने पेज को आप मल्टीपल तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे क्या, आप इसमें मल्टीपल एडमिन्स ऐड कर सकते हो, जी हाँ मल्टीपल एडमिन्स आप ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप अभी एट ए टाइम पे आपका जो पेज है उसके ऊपर आप सिंगल आपकी प्रोफाइल ऐड है, राइट, अब आपकी प्रोफाइल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपका पेज खत्म, आपका पेज चला गया, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी, यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन किसी को भी आप एक नहीं जितने चाहो आप उतने यहाँ पे एडमिन्स आप क्रिएट कर सकते हो, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका जो मेन आईडी थी, फॉर एग्जांपल मान लो ये वाली आपकी मेन आईडी है, ठीक है, मान लीजिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, पाँच छः एडमिन बना दिया, एक एडमिन ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, चौथा ये और पाँचवा ये एडमिन बना दिया। अब क्या होगा इन केस कभी ऐसा हो, या मैं कहता हूँ भाई कभी ना हो, मान के चलो कि आपका किसी भी वजह से आपका ये जो पेज है ये वाला सबसे पहला वाला एडमिन है, ये एडमिन क्या हुआ, खराब हो गया, डिलीट हो गया, सम रीजन किसी वजह से सस्पेंड हो गया, तो एटलीस्ट अगर आपके पास में ये चार लोग हैं ना, ये चार लोग ये वाले, इन चारों के पास आपका पेज पड़ा रहेगा, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि आपको प्रोफाइल में नहीं मिलता, पहला पॉइंट। सेकंड एक और चीज़ आपके पास में, जितने भी न्यू अर्निंग टूल्स होते हैं, जितने भी न्यू अर्निंग टूल होते हैं वो सारा का सारा आपको सबसे पहले मिलता है पेज के ऊपर। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है कि सर 5000 फॉलोवर्स भी हो गया, 5000 फॉलोवर्स भी हो गया, 60000 का मिनट व्यूज़ काउंट भी कंप्लीट हो गया, सब पूरा हो गया, सारे क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए, बट फिर भी क्या नहीं आ रहा है, मोनेटाइजेशन का जो टूल है, जो डॉलर का जो सिंबल, जो मोनेटाइजेशन का टूल है वो देखने को नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। तो भैया कई बार आपको ये सब प्रोफाइल पे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको फेसबुक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा एंड मोर एंड मोर ये सब चीज़ें। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि फेसबुक के ऊपर अगर आप पेज पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पेज पे काम करते हो तो आपको ग्रोथ बहुत फास्ट मिलता है, बहुत जल्दी आपको बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि देखो फेसबुक के ऊपर क्या है ना, लाइक प्रोफाइल में भी बूस्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा प्रोफाइल बुरा है, लेकिन बहुत सारी कई चीज़ों में लिमिटेशंस हैं जो आपको वहाँ नहीं मिलती हैं।
सो फेसबुक का जब पेज है ना, उस पे आपको सबसे बड़ा चीज़ क्या मिलता है? फॉलो का बटन। आपको क्या मिलता है? फॉलो बटन मिलता है ना। हालांकि ये आपको उस पे भी मिल जाता है जब आप जो है इस पे प्रोफाइल जब आप चेंज करते हो प्रोफेशनल मोड में, तो वहाँ पे भी फॉलो का बटन मिलता है। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप पेज के ऊपर काम करें, इस पे ज़्यादा आपको बेनिफिट है, कि बहुत सारी सिक्योरिटीज, बहुत सारी चीज़ें आप प्रोफाइल पे नहीं कर सकते लेकिन पेज के ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, है ना, किसी पेज टू पेज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें भैया, बहुत सारे बेनिफिट्स है पेज पे। एक और सबसे मेन बात कि आपका जो पेज है वो सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। अब सोचिए कैसे सेफ एंड सिक्योर है, कि मान के चलिए कि जैसे मैंने आपको पहले वाले वाले केस में बताया कि आपने एक एडमिन बनाया, दो एडमिन बनाया, तीन एडमिन बनाया, चार एडमिन बनाया, पांच एडमिन बनाया। इसमें आप पता क्या कर सकते हैं? इतना ही नहीं, आप अपने पेज के अलावा भी अपने पेआउट का एडमिन भी आप अलग बना सकते हैं। पेआउट आप अलग रखिए, पेज आप अलग आईडी पर रखिए, तो मतलब टेंशन खत्म रहती हैं पेज पे अगर आप वर्क करते हो। बट अगर यही सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि एड मल्टीपल एडमिन्स आप ऐड कर सकते हो, न्यू अर्निंग टूल्स आपको सबसे पहले मिलते हैं, फास्ट ग्रो होगा आपका पेज, और साथ ही साथ मोर सेफ आपके पास, यहाँ पर कहीं ना कहीं पेज आपका बहुत ज़्यादा सेफ है। देखो आई एम नॉट श्योर वो आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी कैसे आपने सेटअप किया, कैसे कहाँ ऐड किया, ये आप पे निर्भर करता है, ये सब आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आप ये सब चीज़ तो पेज के ऊपर काम करें। और अगर यही सब चीज़ें अगर हम बात करें अपने प्रोफाइल पे, फॉर एग्जाम्पल अगर यही सब हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल पे, तो प्रोफाइल पे पता क्या होगा भैया? प्रोफाइल पे देखिए, प्रोफाइल के ऊपर सबसे पहली बात कि आप एडमिन ऐड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आप जो है यहाँ से एडमिन ऐड नहीं कर सकते। आप चाहो ना एडमिन ऐड करना, आप नहीं ऐड कर सकते। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है यहाँ पे कि आप मल्टीपल आप एडमिन अगर आप सोचें कि आप मल्टीपल एडमिन अगर आप ऐड कर दो, तो आप यहाँ पे मल्टीपल एडमिन आप नहीं ऐड कर सकते, पहला पॉइंट। इसके बाद आपको यहाँ पे नए टूल्स जो हैं रेवेन्यू के जो मिलते हैं, जो भी नए रेवेन्यू के टूल मिलते हैं, वो टूल्स आप यहाँ से नहीं ले सकते। बहुत सारा ऐसा केस होता है जहाँ पे आपको रेवेन्यू का टूल नहीं मिलता। प्रोफाइल के ऊपर लोगों के बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं, किसी को स्टार नहीं मिलता, किसी को एडसन रूल्स नहीं मिलता, किसी को बोनस नहीं मिलता, मतलब ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें हैं। देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनको नहीं मिलता। जिनको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट दूसरा चीज़ एक और है कि यहाँ पे कहीं ग्रो में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिल रही, तो कहाँ से ग्रो होगा? हो सकता है आपको रील्स नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपको एडसन रील्स नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ें, तो आपको बेनिफिट वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं मिलने वाला। एक सबसे बड़ा यहाँ पे बात ऐसा सेफ है अनसेफ है। आप मान के चलिए आपका सिर्फ प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, और उस पर क्या है, एक प्रोफाइल पे एक ही बंदा है ना, आपकी ये भी चीज़ें नहीं, ये भी चीज़ें नहीं। अगर मान के चलिए कि आपका प्रोफाइल एक है और प्रोफाइल पे एक बंदा आपको पता आपके नाम से, चाहे करण, राम, श्याम, जो भी कुछ भी नाम आपने रखा। अब मान लीजिए कि हम बोलते हैं यहाँ पे एक करण नाम का बंदा है, ठीक है, एक करण नाम का यहाँ पे बंदा है जिसकी प्रोफाइल है, उसके कुछ भी आपके फॉलोवर्स एक्स वाई जेड, और किसी वजह से इसने कुछ गलती की, कुछ भी, किसका सस्पेंड हुआ, तो पता क्या हुआ, एक बार में सब खत्म, सब गायब, इसको सब कुछ बाय बाय हो जाएगा। बट अगर आपका कोई पेज है, अच्छा मान लो ऐसे कि हैकर ने इसको हैक कर लिया, हैकर ने क्या किया, इसको हैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, सब खत्म कर दिया, इसका सब बर्बाद कर दिया, इसको पूरा लाल कर दिया, पूरा का पूरा इसका रेड कर देगा, फिर क्या होगा, सब खत्म, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका पेज है और वो मल्टीपल एडमिन पे ट्रांसफर है, मल्टीपल एडमिन अटैच है, तो उससे बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होगा कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ हो रहा है, आपकी मेन प्रोफाइल अगर चली गई, तो कम से कम आपका पेज किसी न किसी अदर प्रोफाइल पर आपका सेफ रहेगा। सो इस तरीके से कई सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं पेज के और प्रोफाइल के। और रही बात रेवेन्यू का, तो भैया वो दोनों ही जगह अच्छा आता है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि पेज पे आप काम करें। सो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया कि अगर 2024 में अगर आपको 2024 में अगर आपको काम करना है, अगर 2024 के अंदर अगर आपको वर्क करना है, हमने कुछ ज़्यादा ही नीला नीला इधर कर दिया, अगर आपको यहाँ पे 2024 में भैया काम करना है, सो इसका ध्यान रखिए, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि 24 के अंदर फेसबुक बहुत सारी पॉलिसीज़ को अपडेट कर रहा है, बहुत कुछ बदल देगा, आप डुप्लीकेट से कमा नहीं पाओगे। सो आई रिक्वेस्ट कि जितना भी हो सके 2024 के अंदर आप जो है अपने ओरिजिनल कंटेंट के अंदर काम करना स्टार्ट करें, इसी में आपका बेनिफिट और इसी में आपकी सबसे ज़्यादा कमाई है, बात बाकी आपकी मर्जी है।
सो गाइज आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बाकी फिर भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्रोफाइल पे काम करते हैं तो पेज पे काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ मिलेंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो सब तक फैलाएं ताकि भैया बाकी लोगों को भी समझ में आ सके और वो लोग भी अपने ऑडियंस पे काम करें। ये यूजर टू यूजर, क्रिएटर टू क्रिएटर डिपेंड करता है। आप चाहें तो प्रोफाइल पर काम करते हैं, आप वहीं काम करें, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका अपना कॉल है। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिलहाल इतना ही मिलता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक एंड टेक केयर।